Welcome students, today we are going to study locomotion in paramecium for BSc part 2. Paramecium में locomotion के लिए सबसे पहले एक नजर paramecium के structure पर देखते हैं. जब हम paramecium को देखते हैं तो उसके paramecium के structure के बाहर बहुत बारीक बारीक बाल जैसे structure दिखाई दे रहे हैं जिनको सीलिया कहते हैं और ये सीलिया ही पैरामीशियम को आगे या पीछे मूवमेंट करने में मदद करते हैं. इनका जो फाइन स्ट्रक्चर है सीलियम का ये 400 से 8000 माइक्रोन्स पर सेकंड की गति से मूव करने में मदद करता है. इसका मतलब सीलियम इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो सबसे पहले हम सीलियम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. सीलियम का जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा है जैसे कोई बैलगाड़ी का पहिया, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर. उस कार्ट व्हील स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई है 10 से 12 माइक्रोन्स लंबाई होती है, 0.27 माइक्रोन्स इसकी डायमीटर है. इसका जो नंबर है वो 10,000 से और 14,000 तक होता है प्रत्येक पैरामीशियम में. और प्रत्येक सीलियम में जो इसकी थिकनेस है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होती है और वो 90 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक मेम्ब्रेन होती है. इसके जो फाइब्रल्स लंबे लंबे तंतु के रूप में माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये 9+2 के रूप में होते हैं. 9 बाहर की पेरिफेरी में होते हैं और 2 सेंट्रल फाइबर होते हैं अंदर की पेरिफेरी में. जो बाहर की पेरिफेरी में हैं उनके अंदर भी वो फिर डिवाइडेड होते हैं ए और बी 2 सब फाइब्रल में. तो जो ए वाला सब फाइब्रल है आप डायग्राम में देखना, उसके फिर 2 आर्म्स हैं, एक आउटर आर्म है एक इनर आर्म है. और जो सेंट्रल फाइबर है वो और आउटर पेरिफेरल फाइबर है वो एक रेडिकल स्पोक जैसे साइकिल की ताड़ियां होती हैं उस प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं. इस प्रकार इन फाइब्रल्स या तंतुओं की वजह से इसको सीलिया को एक स्ट्रेंथ एक ताकत मिलती है जिसकी मदद से ये पानी को पीछे फेंक कर और पैरामीशियम को आगे बढ़ने में मदद करता है. अब इसका मतलब कौन कौन से प्रकार के लोकोमोशन इसमें पाए जाते हैं. तो जो सीलियरी लोकोमोशन है पैरामीशियम में वो हम देखेंगे कि इसमें 2 प्रकार के, लेफ्ट साइड का जो चित्र है ये देखिए, इसमें 2 प्रकार के स्ट्रोक मूवमेंट है. यानी एक सीलिया को अगर हम देखें तो वो इस प्रकार से गति करता है कि पहला तो प्रभावी स्ट्रोक है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक और दूसरा पुनः उसे प्राप्त करने के लिए पुनः प्राप्ति स्ट्रोक या रिकवरी स्ट्रोक. तो जो प्रभावी स्ट्रोक है वो बहुत तेज होता है और इसके अंदर 1 से 5 तक की जो स्थिति दिखाई गई है वो पानी को पीछे धकेलने में मदद करती है और पैरामीशियम को आगे बढ़ने में मदद करती है. जो रिकवरी स्ट्रोक है उसके अंतर्गत जो सीलिया है वो ढीले पड़ जाते हैं और धीमी गति से जल को कम से कम प्रतिरोध करते हुए वापस अपनी उसी स्थिति में आते हैं. अब सीलिया के मूवमेंट में सारे सीलिया एक साथ गति नहीं करते. अगर एक साथ गति नहीं करते तो इसका मतलब वो एक लंबी पंक्ति में उपस्थित एक तरंग के रूप में गति करते हैं, स्पंदन करते हैं. इस तरह के जो गति होती है उसको मेटाक्रोनल रिदम कहते हैं. और एक साथ जो मेटाक्रोनल रिदम जो है वो सिंक्रोनस बीट कहलाती है. अब इसके इस मूवमेंट में हम देख रहे हैं कि इस मूवमेंट के बाद सीलिया कभी सीधा चलता है क्या. राइट साइड की जो चित्र है इसको देखिए कि पैरामीशियम जब गति करता है तो सीधी रेखा में गमन नहीं करता, मूव नहीं करता, बल्कि जैसे राइफल की गोली चलती है उस प्रकार एक एक्सिस के
बाईं तरफ चक्कर लगाते हुए स्पाइरल मूवमेंट सर्पिल रूप में आगे बढ़ता है। इस प्रकार ये एक साथ एक तो इफेक्टिव और रिकवरी स्ट्रोक चलते हैं, फिर इसकी गति चलती है कि एक साथ ये मेटाक्रोनल रिदम में चलते हैं और सीधी लाइन में भी नहीं चलते। अब इसकी गति को देने वाले सीलिया को अगर हम देखें तो ये एक प्रकार से न्यूरो मोटर सिस्टम से जुड़े रहते हैं। सिरेविन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि इस प्रकार इस सिस्टम से इनको जो आवश्यक ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में मिलती जाती है और 1 सेकंड में 10 से 11 बार ये मूवमेंट करते हैं। पैरामीशियम में एक प्रकार का और मूवमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं मेटाबॉली यानी शारीरिक संकुचन। इसमें क्या होता है कि पैरामीशियम का शरीर क्योंकि अत्यधिक लचीला होता है तो ये अपने शरीर के आकार से भी संकरे मार्ग से भी बहुत आसानी से निकल जाता है और वापस अपनी उसी अवस्था को धारण कर लेता है। इस प्रकार के परिवर्तन को मेटाबॉली कहते हैं। इस प्रकार ये पैरामीशियम का मूवमेंट खत्म होता है। थैंक्स।